स्वागत करता हूँ आपका आरबी चैनल में। अभी कुछ टाइम पहले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की अब आ चुकी है। आप अपना स्कोर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके अपनी आप डिटेल्स फिल करोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालनी पड़ेगी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद आपकी आंसर की शो हो जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, जो भी आपकी आंसर की आने वाली है उस आंसर की में आपको चेक करना है, जो एसएससी की तरफ से जो आपको आंसर मिले हैं वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई सही आंसर एसएससी ने गलत कर रखा है, ऐसा बहुत बार होता है। जिन लोगों ने पहली बार एसएससी का एग्जाम दिया शायद उन्हें ना पता हो, लेकिन जिन लोगों ने पहले भी एसएससी का एग्जाम दे रखा है उन्हें पता है कि ऐसा होता है। कई बार आपके सही आंसर को एसएससी गलत कह देती है, आपके सही आंसर को गलत बता दिया जाता है। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उसे चैलेंज करना पड़ता है। जो आपका क्वेश्चन है उसे चैलेंज करना पड़ता है एसएससी के थ्रू। पूरा चैलेंज करने का प्रोसीजर मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि किस तरह से आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। और अगर कोई गलत क्वेश्चन आपको पेपर में दे रखा है या फिर उसका आंसर गलत दे रखा है आंसर की में, तो उसे आप सही करवा सकते हो, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 100 रुपये की फीस लगती है आंसर की को चैलेंज करने के लिए। अब ये है कि गिने चुने सेट्स थे, और हो सकता है सेम ही क्वेश्चन को अलग अलग बच्चे चैलेंज करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपनी आंसर की पोस्ट कर दो, जिससे कि मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लूं, और किसी क्वेश्चन में अगर कोई एरर हो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में एरर है, और आप उसे चैलेंज कर सको। एक फायदा तो ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, उसे आप चैलेंज कर पाओगे। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि सभी लोगों को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, तो उनमें से अगर किसी एक बच्चे ने भी अगर आंसर की को चैलेंज कर दिया, ठीक है, तो बाकी सभी बच्चों को उसी क्वेश्चन को दोबारा चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को अलग अलग से 100 रुपये भरने की जरूरत नहीं है चैलेंज करने के लिए। अगर एक भी बच्चे ने किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया जो कि गलत दे रखा था, तो उस क्वेश्चन को सही कर दिया जाएगा एसएससी के थ्रू, और सभी बच्चों को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सभी बच्चों को अलग से क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना होता। तो इसका फायदा यह मिलेगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाते हो। अगर कोई बच्चा वहां पे किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर देता है, तो वो वहां पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता है, जिससे कि बाकी लोग उसे चैलेंज ना करें, उस आंसर की को चैलेंज ना करें, और अपना टाइम बचा लें और थोड़े बहुत पैसे भी बचा लें, जो कि 100 रुपये एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपके लगते हैं। चैलेंज करने का टाइम क्या है, आप 6 तारीख तक क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। जो गलत क्वेश्चन है उन्हें 6 तारीख तक आप चैलेंज कर पाओगे। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 दिन का टाइम है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो आपको आंसर की मिली है उसे आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो, वरना मेरी ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप अपने क्वेश्चन पेपर की PDF मुझे वहाँ पे सेंड कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लूँगा, और कोई गलत क्वेश्चन होगा तो उसकी एक वीडियो बना के आपके सामने डाल दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन गलत आए थे, और उसे आप सही कर पाओ। ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन डाल पाओ, उसे चैलेंज कर पाओ, जिससे कि आपके मार्क्स फालतू में ना कटें। और जो लोग एक क्वेश्चन को अगर कर चुके हैं चैलेंज, तो मैं वहाँ पे आपको थोड़ा ये भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन चैलेंज हो चुके हैं, तो सभी बच्चों को एक ही क्वेश्चन को बार बार चैलेंज करने की जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी RRB NTPC के फॉर्म्स निकले हैं, जिसमें 1.3 लाख वैकेंसीज हैं, तो उसके बारे में भी हम जल्द ही बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, पोस्ट प्रेफरेंस क्या भर सकते हो, फॉर्म किस तरह से भरना, सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे यही विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ दबाओ बेल आइकन को, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो, कोई भी हमारी वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है,